What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 21 जनवरी 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:12 हो रहे हैं। कल हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और ज़बरदस्त एक फॉल ऊपरी लेवल से हमें निफ्टी इंडेक्स में आता हुआ दिखाई दिया। कल IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने ग्लोबल ग्रोथ का जो फोरकास्ट था वो घटा दिया है। तो कल एक निफ्टी में ज़बरदस्त एक बेयरिश कैंडलस्टिक बना है, लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बना है और एग्जैक्ट 20 DMA के पास आके ये रुका है। तो आज निफ्टी इंडेक्स में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दें। यह पिक्चर है कल का, यानी 28 जनवरी, आफ्टर मार्केट RC यह पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 12,384 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 12,336। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट हमारा सेकेंड टारगेट जो था ऊपर के लेवल के पास, यहाँ पर ही एग्जैक्ट ओपन हुआ। तो शुरू में तो कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करने लगा तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 12,323 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 12,306 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ देर तक इस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और जैसे ये लेवल भी टूटा तो निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव दिखाने लगा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो कल ये जो फॉल आया है इसके बाद अभी सपोर्ट के लेवल्स कहाँ पर होंगे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स के भी हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार बंद थे, वहाँ पर छुट्टी थी, हॉलीडे था कल, और यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी। हालांकि जर्मन मार्केट डैक्स यहाँ पर 22 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो लगभग सभी इंडेक्स आज लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी 78 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 110 पॉइंट की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पर अभी अगर आप हमें कई सारे दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ किया था और ये जो 50% का लेवल है इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव किया था और 4 दिनों से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो अभी कल जैसे ही ये नया हाईज क्रिएट किया, गैप अप ओपन हुआ तो लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया वहाँ पर और टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करने लगा। तो ऑलमोस्ट अभी 38.2% के लेवल के पास ये आ गया है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इसे कहा जाएगा। हालांकि ये हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं और वीकली अभी 4 दिन बाकी है ये वीक कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल पहले दिन के बाद यहाँ पर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ से करेक्शन और गहराता है तो कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं, इसके लिए अभी हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर वीकली चार्ट, ये लो से ये हाई अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है 23.6% का, जो कि 12,114 के पास है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाता है। ये यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर से नीचे आके फिर बाउंस बैक हुआ है। तो 12,100 के पास एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है 12,100 को तो नीचे 11,900, जहाँ पर ये 20 EMA का पिंक लाइन आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट 11,900 के पास आ रहा है, जो कि 38.2% का लेवल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और करेक्शन बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। ये निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट। कल यहाँ पर एग्जैक्ट ये जो पिंक लाइन है ये 20 DMA का लाइन है, यानी 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसका हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के लिहाज से हम इसे यूज़ करते हैं।
तो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके ये रुक गया है। तो ये जो प्रेशर आया है कल का, ये जो लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक बन गया है, हो सकता है मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो और एग्जैक्ट ये जो सपोर्ट लेवल्स की हम बात करें इसी के पास, ये सपोर्ट के पास ये ओपन हो, फिर यहाँ से एक अपसाइड, एक रिकवरी यहाँ से हमें देखने को मिले। तो काफ़ी प्रेशर अभी इस वक्त मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना होगा मार्केट किस मूवमेंट में जा रहा है, रिकवरी आ रही है या फिर ये प्रेशर और बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर सुबह का जो ट्रेडिंग का रेंज होता है वो अगर ब्रेक हो गया तो हमें आने वाले ट्रेडिंग का ट्रेंड हमें पता चल सकता है। तो फिलहाल डेली चार्ट में ये क्रूशियल सपोर्ट है 20 डीएमए का, उसके बाद ये 50 डीएमए अराउंड 12,070 के पास आ रहा है। तो 12,100 12,070 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ इस समय हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये है 60 मिनट का चार्ट। निफ्टी इंडेक्स अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है, हो सकता है गैप डाउन भी ओपन हो। तो अगर नहीं होता है गैप डाउन ओपन और ये अगर 12,213 के नीचे चला जाता है ओपन होने के बाद, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये होगा हमारा ब्रेक डाउन लेवल और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,186। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 12,166। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, तो इन लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है, यानी 12,166 के नीचे सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम तभी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,150। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 12,166 के नीचे सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो ये जो 100 ईएमए का फर्स्ट यहाँ पर आज रेजिस्टेंस होगा जो कि अराउंड 12,247 के पास है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से एक गैप क्रिएट हुआ था। ये देखिए, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था। तो इसका इनिशियल ये जो लेवल है 12,254 के पास आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक होता है कंफर्टेबली तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो हम इसे मार्क कर देते हैं, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। तो ये हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 12,278। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 12,289। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। आज काफ़ी कठिन हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है निफ्टी में ट्रेड करना, तो फ्रेशर्स जो है वो अवॉइड करें आज के लिए। तो यह था हमारा आज के लिए इंट्राडे एनालिसिस निफ्टी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।